Assalamualaikum, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो मिल्क शेक। इसके लिए मैंने ये दो मैंगो लिए हैं और मैंने छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लिख के रखा है। इसमें का हम थोड़ा साइड में रखेंगे और थोड़ा यूज करेंगे। इसके साथ ही मैंने लिया है ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, इसको छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। और ये है ये ही इलायची पाउडर, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। ये है चीनी है, ये 4 चम्मच चीनी है। अगर आप हिसाब से देख लेना, मतलब आपके आम कितने मीठे हैं कितने नहीं, वो इससे फिर आप चीनी ले लेना। और ये मैंने ले लिया है 1.5 ग्लास मैंने दूध लिया है। अब मैं बताती हूँ क्या करना है। ये मिक्सी जार ले लिया, आपके पास अगर मिक्सी जार बड़ा होगा तो आप बड़ा भी ले सकते हो। पहले हम इसके प्यूरी बना लेंगे। ये हमने डाल दिए इसके अंदर, थोड़ा मैं बचा कर रखूँगी गार्निशिंग के लिए, इतना मैं बचा कर रखूँगी। अब मैं चीनी डाल दूंगी। चार चम्मच मैंने चीनी डाल ली है। अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखो मैंने बना लिया। अब मैं इसके अंदर ये इलायची पाउडर डाल देती हूँ और ये मैंने आइस क्यूब लिए हैं, ये मैं डाल देती हूँ और इसमें दूध डाल लेती हूँ। ये देखो ये बन गया। अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और ये जो हमने ये छोटे छोटे पीस किए थे वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे। देखो ये बन गया हमारा मैंगो मिल्क शेक। या अगर आपको अच्छा लगा इसे आप बनाओ और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।